मसीह यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम का विवाह योसेफ से तय हो चुका था, किंतु इससे पहले कि उनमें सहवास होता, ये मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती हैं। ये गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा था। उनके पति योसेफ एक धर्मी पुरुष थे। वे नहीं चाहते थे कि मरियम को किसी प्रकार से लज्जित होना पड़े, इसलिए उन्होंने किसी पर प्रकट किए बिना मरियम को त्याग देने का निर्णय किया। किंतु जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया, प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने स्वप्न में प्रकट हो उनसे कहा, योसेफ, दाविद के वंशज, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से डरो मत, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देंगी, तुम उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। ये सब इसलिए घटित हुआ कि भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा गया, प्रभु का ये वचन पूरा हो जाए, एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारेगी। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जागने पर योसेफ ने वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। उन्होंने मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, किंतु पुत्र जन्म तक उनका कौमार्य सुरक्षित रखा। योसेफ चाहे तो सार्वजनिक रूप से उसे तलाक या उससे भी बुरा कुछ कर सकता था। ऐसी बातों की उनके उस समय अवधि और संस्कृति में अपेक्षा कर सकते थे जिसमें वे रहते थे। लेकिन योसेफ एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम रखता था। उसका विश्वास उसके हृदय में व्याप्त संदेह और डर से काफी अधिक मजबूत था। और जबकि योसेफ मसीह यीशु का शारीरिक पिता नहीं था, लेकिन वो इस दुनिया में उसका सांसारिक पिता हुआ। योसेफ ने मसीह यीशु को बड़ाई के काम को सिखाया। जब मसीह यीशु लगभग 30 साल का हुआ तो उसने उस काम को करना आरंभ किया जिसे करने के लिए उसके स्वर्गीय पिता ने उसे भेजा था। यीशु सारे गलील प्रदेश की यात्रा करते हुए, उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते हुए, स्वर्ग राज्य के ईश्वरीय सुसमाचार का उपदेश देने लगे। वो लोगों के हर एक रोग तथा हर एक व्याधि को दूर करते जा रहे थे। सारे सीरिया प्रदेश में उनके विषय में समाचार फैलता चला गया और लोग उनके पास उन सब को लाने लगे जो रोगी थे, तथा उन्हें भी जो विविध रोगों, पीड़ाओं, प्रेतों, मूर्छा रोगों तथा पक्षाघात से पीड़ित थे। यीशु इन सभी को स्वस्थ करते जा रहे थे। गलील प्रदेश, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया प्रदेश और यर्दन नदी के पार से बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। यीशु ने अकेले काम नहीं किया, उसने 12 पुरुषों को अपने नजदीकी अनुयायी होने के लिए चुन लिया। वे कोई ज्ञानी पंडित नहीं थे, वे अधिकतर दूसरे लोगों की दृष्टि में औसत दर्जे के लोग थे। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा ये दिखाया कि वो कैसे हमें मूल्य देता है और प्रेम करता है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। यीशु और उसके अनुयायी यरूशलेम में एक पर्व मनाने के लिए गए। जब वे बैतसैदा के कुंड के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर बड़ी संख्या में विकलांग और बीमार लोगों को पड़े देखा। इनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो 38 वर्ष से रोगी था। मसीह यीशु ने उसे वहां पड़े हुए देख और ये मालूम होने पर कि वो वहां बहुत समय से पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो, अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। तुरंत वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, वो अपना बिछौना उठाकर चला गया। ये घटना सब्बात के दिन हुई थी, इसलिए धार्मिक अगुओं ने उस व्यक्ति से कहा जिसे चंगाई मिली थी, ये सब्बात का दिन है, आज के दिन तुम्हें अपनी खाट उठाने की अनुमति नहीं। जब उन्हें पता चला कि ये मसीह यीशु ही थे जिसने उस व्यक्ति को चंगा किया था, और ये भी कि उसी ने उस व्यक्ति को निर्देश दिया था कि सब्बात के दिन अपनी खाट उठाकर चले, तो वे यीशु को सताने लगे। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मेरे पिता अब तक कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ। परिणाम स्वरूप यहूदी मसीह यीशु की हत्या के लिए और भी अधिक ठन गए, क्योंकि उनके अनुसार मसीह यीशु शब्बात की विधि को तोड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर स्वयं को परमेश्वर के तुल्य भी दर्शा रहे थे।
मसीह यीशु ने कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो वो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करते हैं पुत्र भी वही करता है। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं और वो पुत्र को अपनी हर एक योजना से परिचित रखते हैं। वो इनसे भी बड़े बड़े काम दिखाएंगे जिन्हें देख तुम चकित हो जाओगे। जिस प्रकार पिता मरे हुओं को जीवित करके जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। पिता किसी का न्याय नहीं करते, न्याय करने का सारा अधिकार उन्होंने पुत्र को सौंप दिया है, जिससे सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का करते हैं। वो व्यक्ति जो पुत्र का आदर नहीं कर, पिता का आदर भी नहीं करता जिन्होंने पुत्र को भेजा है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जो मेरा वचन सुनता और मेरे भेजने वाले में विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उसी का है। मसीह यीशु आराधनालय के आंगन में शिक्षा देते थे। लोग उन बातों के द्वारा जो वो कहते और करते थे आश्चर्य करते थे, इसलिए भीड़ उसके पीछे हो लेती जहां कहीं भी वे जाते थे। जब एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे, उसी समय फरीसियों व शास्त्रियों ने व्यभिचार के कार्य में पकड़ी गई एक स्त्री को लाकर मध्य में खड़ा कर दिया और मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मोशे ने व्यवस्था में हमें ऐसी स्त्रियों को पथराव द्वारा मार डालने की आज्ञा दी है, किंतु आप क्या कहते हैं? उन्होंने मसीह यीशु को परखने के लिए प्रश्न किया था कि उन पर आरोप लगाने के लिए उन्हें कोई आधार मिल जाए, किंतु मसीह यीशु झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। जब वे मसीह यीशु से बार बार प्रश्न करते रहे, मसीह यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जिस किसी ने भी कभी कोई पाप ना किया हो, वही उसे सबसे पहला पत्थर मारे। और वो दोबारा झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर वरिष्ठ से प्रारंभ कर एक एक करके सब वहां से चले गए, केवल वो स्त्री और मसीह यीशु ही वहां रह गए। मसीह यीशु ने सीधे खड़े होते हुए स्त्री की ओर देखकर उससे पूछा, हे स्त्री, वे सब कहां हैं? क्या तुम्हें किसी ने भी दंडित नहीं किया? उसने उत्तर दिया, किसी ने भी नहीं प्रभु। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करता, जाओ अब फिर पाप ना करना।